लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार को महेवा गल्ला मंडी में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए थोक व्यापारियों द्वारा राशन सामग्री बेची जा रही है। दुकानों पर एक मीटर की दूरी पर घेरा बनाया गया है। जो भी फुटकर व्यापारी सामान लेने आ रहा है उसको घेरे में खड़ा करके सामान दिया जा रहा है। सभी थोक दुकानों पर मास्क लगाकर थोक दुकानदार काम कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए थोक गल्ला व्यापारी अनिल सुरेंद्र महेंद्र प्रताप गुप्ता ने कहा, लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। शुक्रवार की नमाज को मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में ही पढ़ा और ईसाई समाज के लोगों ने भी अपना पवित्र पर्व गुड फ्राइडे को घरों में ही मनाया। लॉकडाउन में और अधिक शक्ति दिखाते हुए पुलिस ने शुक्रवार को प्रमुख मोहल्लों में ड्रोन कैमरे से भी निगहबानी की। लॉकडाउन के दौरान महेवा मंडी गेट, रुस्तमपुर चौराहा, अमरूद मंडी चौराहा, नौसौ चौराहा, दाऊदपुर हाईवे, नौकायन रोड, पैडलेगंज चौराहा, वी पार्क, मोहद्दीपुर चौराहा, मोहद्दीपुर पुल, बिछिया रोड, कौवाबाग तिराहा, असुरन चौराहा, बशारतपुर रोड, धर्मशाला पुल, रेलवे ट्रैक, गोलघर काली मंडी चौराहा, चेतना तिराहा, गोलघर मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, मुंह पे लगाइए, कुछ है नहीं क्या? गाड़ी का नंबर नहीं याद है, हम जाएंगे देखने के लिए तो फिर एक बार बताएंगे। दवा का रेट लिखे हैं, क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर है सर। बिल्कुल दिखाइए, वो दिखाने वाला कार्ड मैंने 36 बीबी उसके आगे 7319 मार्केट मत बताइए। हाँ जहाँ थोड़ी नाम से गोरखपुर बस जाइए। वो कहाँ है? गंजा नाम है। अपना नाम बताओ। नाम संदीप। पूछ लिया करा जे के गोरखपुर में जाए को के ओके यहाँ रुका बाकी लोग के यहाँ तक अगर जहाँ तक कहाँ जा रहे हैं? कितना है बताओ? क्या लगा? 77 है। 80 77 No.
लॉकडाउन को देखते हुए शहर में जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जा रहा है, कल से कुछ रास्ते और बंद कर दिए गए हैं। कुछ चुनिंदा रास्ते ही शहर में खोले गए हैं जिन पर पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और 24 घंटे वहाँ पिकेट लगा है। कम रास्ते खोले गए हैं जिससे कि जो लोग अंदर आ रहे हैं, जो सोशल सर्विस के लोग हैं या जो वास्तव में नीडी पर्सन है, वही लोग अंदर आए हैं। जो लोग उस तरीके के बेफालतू घूमने वाले, उनको हतोत्साहित किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, गोलों में बैठाला भी जा रहा है। फिर भी अगर जो लोग दोबारा भी नहीं माने, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा रही है।